जो कि काफी यूजफुल है, जो आपके टाइम को बचा सकती है, सेव कर सकती है, जब आप ट्रेवल शूटिंग कर रहे हो या फिर जो है आपका कोई भी चीजों को चेक करना है, तो उस दौरान जो है आप डेफिनेटली इन कमांड्स का हेल्प यूज करके अपना टाइम जो है वो बचा सकते हो। सो गाइस, ये क्या है कमांड्स, कौन कौन सी हैं, तो जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो गाइस अभी इनको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक 40 डेज का जो फ्री नेटवर्किंग कोर्स है एनरोल नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उसको एनरोल कर लें। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल करने के लिए लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि ऐसी कमांड्स जो आपको टाइम बचा सकती हैं ड्यूरिंग दी ट्रबल शूटिंग। सो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और एज यू कैन सी मेरा जो स्विच है, लेयर टू स्विच है यहाँ पे सिस्को का, वो अभी बूट हो रहा है। जैसे इसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मैं आपको कुछ ऐसी कमांड्स बताऊंगा। अभी इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा वैसे ही ये कमांड जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाती हैं, जब आप चीज़ों को सर्च करते हैं या आपको कुछ भी चीज़ों को मॉनिटर करना है या किसी भी तरह का काम करना है तो आप डेफिनेटली इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे जो है मैं कुछ आपको काफ़ी यूजफुल इंटरेस्टिंग कमांड्स जो है बताने वाला हूँ। तो एक बार ये बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए देन विल डेफिनेटली लुक इनटू इट कि कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो आपके टाइम को सेव कर सकती हैं। सो अभी ये मेरा जो स्विच है वो किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्टेड नहीं है, और इसके अंदर अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यू कैन सी ये जो आपका स्विच है वो बूट हो रहा है। जैसे इसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी अभी बूटिंग प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो गया है। तो यू कैन सी यहाँ पे एनेबल करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे ना पहली, अगर मैं मान लो मुझे कुछ भी चीज़ें चेक करनी है, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका मुझे कुछ भी चीज़ें चेक करनी है, तो जनरली हम लोग यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करके एंटर करते हैं और हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखती हैं। उसके बाद में हमारे पास में मोर का ऑप्शन आता है, फिर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में और कॉन्फ़िगरेशन आता चला जाता है। लेकिन जैसे हमारे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है इंक्रीज हो जाता है, तो उस वक्त हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को इस तरह से चेक करने के लिए। सो बेसिकली ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी यूजफुल कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे टाइम को बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मोर आ गया, राइट? और मोर आ गया तो अगर मुझे यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाना था, वापस से रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं आपका फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद से फॉर एग्जांपल मुझे वो लाइंस यहाँ पे ये फिल्टर करके दे दे। बेसिकली ये फिल्टर के लिए काफ़ी आपकी कमांड इस्तेमाल होती है जिसका स्टार्टिंग जो है INT से स्टार्ट होता हो, राइट? तो यू कैन सी अगर मैं करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास में INT इंटरफेस वाली जो कमांड्स हैं वो सारी मेरे को यहाँ पे जो है एक फिल्टर होकर आ गई, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, बस वही सबसे पहले आ गया। उसके बाद बाकी जो भी आएगा वो डिटेल हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसके बाद जो है से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे VTY पे सीधा जाना है, तो मैं VTY लिख के एंटर करता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो है फिल्टरिंग लग के मेरा VTY पे पहुंच जाता हूँ। तो ये कमांड है आपकी, एक तो फॉरवर्ड स्लैश से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, या फिर जो है एक और कमांड तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं हम। तो यहाँ पर जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के और उसके बाद से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जीरो प्रेस करता हूँ तो जिन भी लाइन में जीरो होगा वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में 0000 जो भी लाइन आपकी जीरो एग्जिस्ट करती होगी वो सारी आपको यहाँ पे फिल्टर आउट होके जो है मिल जाती हैं। इसके बाद में और एक आपकी कमांड होती है विच इज शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं और यहाँ पे जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और उसके बाद में जीरो के साथ में डॉलर लगाते हैं। सो बेसिकली ये क्या करेगा, जिस भी कमांड लाइन के अंदर एंड में जीरो आएंगी वो आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करके देगा। यू कैन सी यहाँ पे एंड में जीरो है तो वो आपकी यहाँ पे फिल्टर आउट, अभी एक ही है तो उसमें एक ही आया, अगर मल्टीपल होंगी तो वो यहाँ पे आपके पास में एंड पे यहाँ पे जो इतनी भी कमांड्स होंगी वो सारी फिल्टर आउट होकर आज यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं और शो रनिंग कॉन्फ़िग के साथ में आप कुछ चीज़ों को सेट कर सकते हैं, और जैसे कि शो रनिंग करते हैं से फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे जो है फॉरवर्ड स्लैश का ना इस्तेमाल करके मैं प्लस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्लस जीरो करके एंटर करता हूँ तो
तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास जितनी भी जीरो जिनमें जीरो एग्जिस्ट करता है वो सारी फिल्टर आउट होके मेरे पास कमांड्स आ गई, राइट। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फिग करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस लगाता हूँ और प्लस के साथ में जीरो के साथ में डॉलर लगाता हूँ, सॉरी डॉलर लगाता हूँ, तो ये जितनी भी कमांड में एंड में आएगा तो यू कैन सी एंड वाले जहां जहां पर भी आपके पास में एंड में जीरो है, राइट, वो आपकी लाइंस जो है यहाँ पे फिल्टर आउट होकर आपको मिल जाती हैं। तो ये आपके कुछ कमांड्स हैं ऐसे, जैसे कि अभी एक और कमांड आप इस तरह से भी कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस लगा के हम फेस करते हैं तो पर्टिकुलर मुझे जो फेस जिसमें यहाँ पे यू कैन सी एंटर फेस 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 वाली जो कमांड्स हैं सिर्फ वही पर्टिकुलर फिल्टर आउट होकर आ रही है, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा एक अलग सी टाइम सेविंग प्रोसेस जो है वो हो जाता है। और अगर मुझे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ शो टर्मिनल, राइट, शो टर्मिनल करता हूँ तो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट इसका जो टर्मिनल की जो लाइंस होती हैं वो 24 पे सेट है, राइट, और 24 लाइंस पे यहाँ पे सेट है। लेकिन अगर मुझे इसमें पूरा का पूरा डिटेल देखना है तो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे टर्मिनल की जो लेंथ है उसको चेंज कर सकता हूँ, राइट, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल हम यहाँ पे लिख देते हैं टर्मिनल, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं टर्मिनल और टर्मिनल के बाद में यहाँ पे मैं कमांड चला देता हूँ लेंथ और लेंथ मैं यहाँ पे जीरो पे सेट कर देता हूँ। और मैं अब अगर मैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ और हिट एंटर करता हूँ तो यू कैन सी इसमें ऑटो में मोर का जो ऑप्शन आ रहा था वो मोर वाला ऑप्शन जो है बार बार नहीं आएगा। ये बेसिकली जैसे मैंने जीरो कर दिया पूरा एंड तक जो है पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पूरा मुझे यहाँ पे डिटेल में शो कर दिया इसने। अब अगर मैं यहाँ पे जो एक कमांड चलाता हूँ से फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमें फिल्टर आउट करना है, अच्छा फिल्टर आउट से पहले हम एक कमांड चलाते हैं यहाँ पे शो रन करते हैं और पाइप लगा के हम इसको थोड़ा सा रीडायरेक्ट करते हैं और रीडायरेक्ट लिख के हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश में चलते हैं पहले तो कोलन और बैक स्लैश लगा के क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास में सारी डिटेल आ रही है। तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस में है, इसमें अवेलेबल है। तो इसके में एक जो है टेम्प्रेरी एक टेस्ट नाम की या कोई भी एक नाम की फाइल बनाना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का हम नाम दे देते हैं से फॉर एग्जाम्पल टेस्ट डॉट सी एफ जी कर देते हैं, राइट, हिट एंटर करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हमारी एक फाइल जो है वो अलग से जनरेट हो गई है। तो यहाँ पर सॉरी ये गलत कमांड चल गई और इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो अब अगर मुझे यहाँ पे जो है कमांड चेक करनी है से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ शो रन शो फ्लैश, सॉरी हमने फ्लैश के अंदर वो फाइल क्रिएट करी है तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं शो फ्लैश कोलन लगाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे पाइप लगाते हैं आई और फिर उसके बाद में जो हमारी टेस्ट से स्टार्ट होने वाली जितनी भी फ्लैश के अंदर फाइल्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो यू कैन सी ये जितनी भी हमारे फ्लैश मेमोरी के अंदर जितनी भी टेस्ट नाम से फाइल्स हैं वो सारी हमें यहाँ पे जिनमें टेस्ट वर्ड आ रहा है बेसिकली तो वो सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, राइट। अब मैं ये जो टेस्ट डॉट सी एफ जी जो हमने यहाँ पे बनाई है सो बेसिकली अगर मुझे इसको रीड करना है यहीं पर रीड करना है सो रीड करने के लिए हम कमांड चला सकते हैं जैसे कि मोर, राइट, मोर के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि ये फ्लैश के अंदर है तो मैं यहाँ पे फ्लैश कमांड चला देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे कोलन लगाते हैं और कोलन के बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं बैक फॉरवर्ड स्लैश लगा के टेस्ट डॉट सी एफ जी करके हिट एंटर करते हैं तो यू कैन सी ये पूरी की पूरी जो हमने कॉपी बनाई थी आपके कॉन्फ़िगरेशन की वो जो है यहाँ पे पूरी आपको डिटेल में देखने को मिल रही है, राइट। तो इस तरह से जो भी आप रीड करना चाहते हैं जिसको भी रीड करना चाहते हैं यहाँ पे मोर कमांड के जरिए यहीं पे आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो बेसिकली आपका टाइम सेव करती हैं जहाँ पे आपको अलग से जगह पे जाके जो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है आप यहीं पे बैठे बैठे जो है वो सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ है, राइट, इसमें आप काफ़ी चीज़ों को आराम से देख सकते हैं जैसे कि इसे फॉर एग्जांपल मुझे फ्लैश की बात करना है तो शो फ्लैश करके कोलन करके एंटर करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, राइट। अगर इनमें से मुझे कोई एक पर्टिकुलर फाइल जो मुझे चाहिए हैं या कोई पर्टिकुलर फाइल के नाम से मुझे सर्च करना है तो यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स में वेट करना पड़ेगा तो उससे मैं बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली जो मैंने आपको एक कमांड बताई है शो फ्लैश और पाइप डाल के आई जो भी पर्टिकुलर फाइल आपका फाइल का नाम है
वो आप यहाँ पे डाल लेंगे तो आपको वो पूरी मिल जाएगी। तो यू कैन सी यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने कमांड वापस एक बार दिखा देता हूँ, हमने कमांड चलाई थी शो फ्लैश, सॉरी फ्लैश, और कोलन लगाने के बाद जो है हमने यहाँ पे लगाया था पाइप, पाइप के बाद में आई, और उसके बाद में जो है टेस्ट लिख के अगर हम एंटर करते हैं तो जितनी भी फाइल्स हैं जो टेस्ट नाम से आ रही हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप जो भी यहाँ पे कमांड्स देखना चाहते हैं, जो भी फाइल्स यहाँ पे देखना चाहते हैं, वो सारी फाइल्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती। इसी तरह से आप यहाँ पर VLAN की भी फाइल्स होती हैं, जस्ट अ मिनट लेट मी लुक इनटू इट, वो भी आप यहाँ पे आसानी से जो है VLANs की फाइल्स को देख सकते हैं। आई थिंक VLAN.dat करके ऐसा कुछ फाइल होती है उसकी, अब मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, राइट, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये सारी कमांड जो है काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग रहेंगे, राइट, आप आसानी से उन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। बट डोंट वरी, जो मैं अभी नहीं यहाँ पे बता पा रहा हूँ वो कोई बात नहीं, आगे जो हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे इसकी, उसमें जो है मैं कुछ और कमांड्स आपको इसमें यूज़ कर लूँगा जो कि ट्रबल शूटिंग में आपको आसानी से हेल्प करती हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये जो भी एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी सारी कमांड्स मैं आप लोगों को इस तरह की बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ट्रबल शूट एंड मॉनिटरिंग के दौरान जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोज आपको और चाहिए हैं तो इस पूरे वीडियो का जो लाइक का जो टारगेट है वो हम रखते हैं से फॉर एग्जांपल 40, राइट, 40 अगर मुझे लाइक्स इस वीडियो पे मिलते हैं तो डेफिनेटली हम जो है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इसमें ट्रबल शूट को, ट्रबल शूट से रिलेटेड जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।